हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं रेडी हो गई हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए, और आज अतिथि आ रही है। अतिथि भी वहाँ से जयपुर से निकल गई है, दिल्ली से जयपुर घूमने गई थी, तो जयपुर से निकल गई है अतिथि, और बस मैं भी लेने को जा रही हूँ। और चलिए आप लोग भी सब मेरे साथ एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट। और आज मैं इस तरह से रेडी हुई हूँ, देखिए मिरर में बताती हूँ, ये मेरा लॉन्ग फ्रॉक है, जयपुरी फ्रॉक पहना है मैंने आज। दिखाती हूँ मैं आपको, क्या पता कैसे दिखाते हैं। तो गाइस इस तरह से फुल लॉन्ग मैंने फ्रॉक पहना है। अब बार को टाई करूंगी, और रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है क्योंकि ब्रिज का काम चालू है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ, थर्मोस में चाय भर लेती हूँ। और रात को मैंने थेपले लिए हैं, गुजराती लोग के थेपले, मेथी डाल के जो रोटी बनाते हैं ना, उसको थेपला बोलते हैं गाइस। तो थेपला लिया है, और अगर हमें रास्ते में बहुत ट्रैफिक लगा तो हम लोग कहीं भी चाय वाय पी लेंगे। और अतिथि भी सुबह से निकली है, तो गलती मेरा क्या हो गया, मैंने उसको ना टिकट निकालते वक्त जय को बोला नहीं कि ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड कर लेना उसके अंदर। तो अब प्लेन में ब्रेकफास्ट तो मिलने वाला नहीं है, या उसको भूख लगेगी तो बाय कर लेगी ब्रेकफास्ट। और तो इसलिए मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि 10 बजे एयरपोर्ट पे आ जाने वाली है, तो मैं थोड़ा नाश्ता उसके लिए भी लेके जा रही हूँ ताकि वो बाहर निकल के खा ले, फिर आते वक्त वापस ट्रैफिक में लेट हो गया। तो वैसे तो हार्डली 1 आवर का रन है एयरपोर्ट यहाँ से, पर ये ब्रिज का काम चालू होने की वजह से ना गाइस, बहुत 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 रश रहता है और बहुत ट्रैफिक स्लो हो जाता है, तकरीबन 2 ढाई घंटे लग जाते हैं पहुँचने में। तो इसलिए मैं सारी तैयारी घर से ही करके निकल रही हूँ। मिरिंडा ले लिया है मैंने साथ में, चाय बना लूंगी अभी मैं, जो 7 बजे भाई आएगा, भाई की गाड़ी से जा रहे हैं, तो चाय बना लेती हूँ अभी मैं फटाक से, और मैं रेडी हो गई हूँ और बस अब निकलने की तैयारी। चाय थर्मोस में भरती हूँ, थोड़े बहुत फ्रूट्स रख लेती हूँ, और अपना सामान अपने साथ रहे तो अच्छा रहता है ना। तो गाइस चलिए आप लोग भी मेरे साथ एयरपोर्ट पे। बताए गाइस क्या हुआ है, मेरा ना पिन नहीं आया है और मैं बहुत परेशान हूँ कि पिन क्यों नहीं आया मुझे। और मैंने एड्रेस वेरीफाई का मेरा मुझे ईमेल आया था ना, तो मैंने वो सारे जो स्कैन करके भेजने के थे वो सारा सब कुछ भेज दिया था, स्कैन इन द सेंस फोटोज कॉपी भेजने की थी, तो मैंने ऐसे फोटो उसमें सेंड कर दिया था ईमेल में, पर मुझे पिन अभी तक नहीं आया है। और मेरे एडसेंस अकाउंट में दिखा रहा है कि एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ इसलिए पिन नहीं आई है, तो अब मुझे वो पता नहीं पड़ रहा है कि मैं वापस से एड्रेस वेरीफाई कहाँ करूँ। और वो जो मुझे ईमेल आया था पहले जिस पे मैंने सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, वो ईमेल मुझे मेरे ईमेल सेक्शन में मिल नहीं रहा है, नहीं तो उसी में रिप्लाई करके वापस से एक बार भेज देती थी, पर वो ही नहीं मिल रहा है। मैंने पता नहीं डिलीट कर दिया आधा तो मुझे, सच में बोलूँ ना गाइस इतनी गड़बड़ रहती है ना मेरे से, मतलब ही मैं यहाँ करने जाऊँ वहाँ करने जाऊँ, एक वीडियो बन के रेडी है पर 2 दिन से वो भी नहीं डाल पाई हूँ, दो दो बार डालने की कोशिश की। एक्चुअल में क्या है, वीडियो बड़े बन जाते हैं तो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से फिर वो आधा पे रुक जाता है और फिर प्रोसेसिंग में चला जाता है, तो पेज ओपन रखने का रहता है और पेज अगर क्लोज हो गया तो वो फिर होता ही नहीं वीडियो अपलोड, फिर उसको डिलीट करो। बहुत मगजमारी है गाइस, बहुत मगजमारी है ये यूट्यूब में, इतनी मगजमारी है कि पूछो मत, करते करते नाक में दम आ जाता है। ये हाउसवाइफ लोगों का काम है जो घर पे रहते हैं, हम लोग की भागम भागी में ना ये काम करना बोला था, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको सारा ब्यूटी का सिखाऊं, इसलिए मैं लगी रहती हूँ लगी रहती हूँ। पर गाइस लगे रहने से भी कोई उसके सामने रिजल्ट भी तो आना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें ना मुझे इतनी नहीं समझती है, टेक्निकल बातें ये सब इतना समझता नहीं है मैं, कंप्यूटर में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, मेरा मोबाइल से सब कुछ कर लेती हूँ। तो गाइज ऐसे चल रहा है, चलिए अब निकलते हैं, बहुत ज़्यादा पक 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 करूँगी मैं तो नीचे जाती हूँ पहले चाय बनाती हूँ। ओके तो गाइज आज मैं बहुत खुश हूँ अतिथि आ रही है, तो
इस तरह से ये है मेरा एड्रेस। गाइज ये फ्रॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है और सूट भी हो रहा है मस्त। तो गाइज गेट खोल रही हूँ, गेट भी मैंने ही खोलने का। जय नीचे बैठे थे वो भी गेट नहीं खुला उनसे। आगे का गेट भी खोलती हूँ लेकिन मैं वीडियो ऑफ करती हूँ। तो गाइज ये बैग रेडी कर दिया है, इसमें थर्मोस में चाय ले ली है, कप ले लिए हैं, नीचे थेपला ले लिया है और थोड़ा चना सिंह लिया है मैंने और मिरिंडा लिया है एक, ये रहा मिरिंडा, और पानी की बोतल ली है और हाथ पोछने के लिए एक रफ कपड़ा लिया है। तो मेरा बैग रेडी है। तो फ्रेंड्स मैं पूरी तरह रेडी हूँ और चलिए गैस का नीचे का सिलेंडर वो ऑफ कर देती हूँ और बस जय अब रेडी हो जाएंगे और राजू आ जाएगा तो हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो गाइस अब हम निकल गए हैं घर से और वो रहा मेरा घर। जय जीवदानी माता। तीन महीने में खत्म करो, दो महीने में करो या एक दिन में करो ना जोसरा। तो लेकिन रिचार्ज तलक अपना चलेगा वो तीन महीने। हाँ, हाँ, मतलब अपना खत्म हो गया तो खत्म हो गया, फिर वापस रिफिल करना। जरा तुम लोग भी मेरे व्यूअर को हाई कर दो पीछे मुड़ के। हाय। ओए हाई करो। चलिए गाइस तो हम निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। पूरा ट्रैफिक जाम है। स्लोली स्लोली चल रहा है आगे। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, कब से पहुंचे थे लेकिन हम बाहर ही थोड़े से घूम रहे थे इधर उधर क्योंकि फ्लाइट को आने को टाइम था और अब फ्लाइट लैंड हो गई है। अतिथि ने सामान भी ले लिया है और बस अब उसको पिक करेंगे और फिर मैं आपको मिलाती हूँ अतिथि से। In 300 meters, slide left. अब इधर निकल तो इधर ही देखो, इधर से मारता है। कहाँ से मारता है? देखो इधर से निकलता हूँ। तुम्हारी मर्जी, तुमको जाना है तुम जाओ, मैं उधर से आऊंगा आराम से। जा आसु चूती हो तो बोलेगी वो अच्छा अच्छा कहीं नहीं जाता उसे। अतिथि आ गई है, हाय बोलो बेटा। तो हमने पिकअप कर लिया है अतिथि को और बस फटाफट हो गया और निकल रहे हैं अब घर के लिए। तो गाइस चलिए अब मैं अतिथि से थोड़ा बात कर लेती हूँ और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा और जो नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय। अच्छा होटल छे। हां सेंटर बड़ा होटल है सेंटर। नितिन आया था तो पहले इधर ही आया था ना। नितिन नहीं मेरा दोस्त है ना। 10 बजे के बिफोर फ्लाइट आ गई। 10 मिनट पहले आ गई फ्लाइट।
वो तो क्या जगह मिलता है तो उतार देते हो।